नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इजी कुक शो में। आज मैं आप लोगों को मटर पनीर की सब्जी बताने जा रहा हूँ, जिसे सभी लोग खाना पसंद करते हैं। इसे मोस्टली लोग बनाना जानते भी हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को मटर पनीर की सब्जी ढाबे स्टाइल में बताने जा रहा हूँ। चलिए इसकी रेसिपी पे आते हैं। इस शानदार रेसिपी को हमें बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर 250 ग्राम, टमाटर 2 पीस, प्याज 6 पीस, सफोला मटर या फिर आप फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्रेश मटर का यूज किया है जो कि 200 ग्राम है। कोरिएंडर लीव्स रिफाइंड ऑयल 4 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टी स्पून, नमक स्वादानुसार, जीरा 1/2 टी स्पून, ग्रीन चिली 2 से 3 पीस, तेजपत्ता 2 पीस, गरम मसाला पाउडर 1 टी स्पून, धनिया पाउडर 2 टी स्पून, जीरा पाउडर भुना हुआ जीरा पाउडर ये 1/2 टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टी स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, हींग अ पिंच। चलिए अब इस रेसिपी को बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है, गैस को ऑन कर लेते हैं, इसे गर्म होने देंगे कढ़ाई को। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। चलिए तेल को गर्म होने देते हैं। चलिए मेरा तेल गर्म हो गया है, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें प्याज। देखिए मैंने इसको रफली काट लिया है, इसे थोड़ा देर तक पकने होने देंगे। आपको ये जब तक पकाना है जब तक आपका ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। आप देखिएगा हल्का येलोइश कलर का हो जाएगा तो आप समझ जाइएगा मेरा यहाँ पे ये हल्का सा कुक हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक, इसके बाद हम डालेंगे इसमें ग्रीन चिली। आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने लगा है, तो अब इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ टमाटर। इसको अच्छे से मिला लेंगे, ऐसे भी थोड़ा देर तक पकने देंगे। कोई भी चीज़ को आप अगर पकाकर उसके पेस्ट बनाते हो तो उसका स्मेलिंग काफ़ी अलग होता है, काफ़ी टेस्टी होता है, चाहे वो मसाला हो या फिर पेस्ट हो। ठीक उसी तरीके से हम लोग इस मटर पनीर की रेसिपी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पहले भून रहे हैं ताकि मेरा ये जो पेस्ट बनेगा और जब इसकी ग्रेवी बनेगी वो काफ़ी उम्दा होगी। अब इसमें हम डालेंगे देखिए फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, जैसे इसको आपको तोड़ देना है इस तरीके से और थोड़ा सा ऐड कर देना है। देखिए यहाँ पे हमारा टमाटर हमारा हाफ कुक हो गया है, तो चलिए हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसकी हम लोग पेस्ट बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा ये पेस्ट बन के तैयार हो गया है। फिर से हम लोग उसी कढ़ाई में इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। मैंने देखिए वही कढ़ाई लिया है, इसमें हम डालेंगे फिर से अगेन 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। चलिए हमारा पे तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे बेलीफ, इसको मैंने टुकड़े कर लिए हैं, इसे डाल देंगे। साथ ही साथ इसमें डालेंगे हम जीरा, उसके साथ हींग। अगर आपके पास हींग नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ना डालें, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। इसे हल्का सा स्टर कर लेंगे इस तरीके से। अब इसमें हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, डालते ही आपको क्या करना है इसे हिलाना है, चला लें अच्छे तरीके से। साथ ही साथ ये जो मैंने पेस्ट बनाया था इसमें हम ऐड कर देंगे। देखिए इसे हमें अच्छे से पकाना है क्योंकि मेरा इसमें प्याज भी आधा पका हुआ है, टमाटर भी आधा पका हुआ है, मैंने भी इसमें लाल मिर्च डाला है वो भी अभी कच्चा है। देखिए धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, जब इसे आप पकाओगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा। इसमें मैं अब डाल देता हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और रेगुलर आपको स्टर भी करते रहना है क्योंकि मेरा नीचे से लगे ना। अब इसमें हम लोग अन्य मसाले भी डाल देंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च, और एक स्टर कर देंगे, चला देंगे। देखिए हमारी ग्रेवी यहाँ पे खदकना स्टार्ट हो गई है। मैंने यहाँ पे फ्लेम को मीडियम रखा है, अब इसको क्या करेंगे कवर कर देंगे। मैंने एक लीड से इसको कवर कर दिया है, इसे 5 से 7 मिनट तक इसे हम लोग पकने देंगे। तब आप देखिएगा जो आपने कलर ग्रेवी का देखा है वो एकदम चेंज हो जाएगा और जितना भी एक्सेस ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा। चलिए हमारा 5 से 6 मिनट कंप्लीट हो गया है, चलिए हम लीड को अब हटाते हैं। देखिए आप देख सकते हैं जब मैं मसाला को कुक कर रहा था तो वो हल्का येलोइश कलर था, अभी आप देख सकते हैं कि आपका ऑयल देखिए चारों तरफ देखिए आपको ऑयल भी नजर आ रहा है और हमारा कलर भी देखिए ग्रेवी का कितना बढ़िया हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। मैंने इसमें नमक का प्रयोग नहीं किया है, जब मैं इस ग्रेवी को पका रहा था मैंने पहले ही नमक डाल दिया था जब मैं प्याज और टमाटर को कुक कर रहा था। तो अब हम डालेंगे मटर, मैंने यहाँ पे फ्रेश मटर यूज किया है, लेकिन ये सीजन के अकॉर्डिंग होता है। अगर मान लो सीजन में आपके पास फ्रेश मटर नहीं है तो आप क्या करोगे, बाहर से आप ग्रीन मटर ले आना, आप उसको उबाल लीजिए और फिर उसके बाद इसमें आप ऐड करके उसको पकाइए। अदरवाइज आप क्या करेंगे, बाजार में सफोला मटर भी मिलता है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं डालूंगा पनीर, इसको देखिए काफ़ी केयरफुली आपको स्टर करना है कि मेरा पनीर टूटे ना। अब इसे हम ढक देंगे और 2 मिनट तक पकाएंगे। चलिए हमारा 2 मिनट हो गया है,
हम लीड को कवर आउट करते हैं। देखिए हमारा मसाला अच्छे तरीके से कोट हो गया है पनीर, और इसके साथ देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है जब मैंने इसको लीड को हटाया। तो अब इसमें हम डालेंगे हाफ कप पानी, ऐसे अच्छे से मिला लेंगे। चलिए इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड कर देते हैं, लगभग एक कप के बराबर। इसको स्टर कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हमारा कलर। चलिए हमारा यहाँ पे मटर पनीर बनके अब तैयार हो गया है। फाइनल टचअप कर देते हैं इसका, वो हमारा क्या है, कोरिएंडर लीव्स, जिसको कि मैंने बारीक रूप से काट लिया है। तो देखा ना इस रेसिपी को कितना आसान है बनाना। एक स्टर, बस अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चलिए हमारा मटर पनीर अब बनके तैयार हो गया है, अब इसे हम लोग सर्व करते हैं। फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे मटर पनीर रेडी है। अगर ये वीडियो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।